हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्याज की आल की सब्जी। तो प्याज की आल की सब्जी बनाने के लिए हमने ये हाफ के जी आल ली है जो एकदम ताजी और हरी है। ये हमने 10 से 11 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार कैसे भी काट सकते हैं। और ये लहसुन है, 10 से 11 हमने लहसुन लिए हैं। एक प्याज लिया है जिसका हम पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। और ये मसाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आल को काटकर, छीलकर और काटकर तैयार करते हैं। इसमें जो पीला पार्ट होगा उसे हमें निकाल देना है और आल को काट लेना है। और आलू को भी हम काटकर तैयार करते हैं, उसके बाद बनाने का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम आपको एक काटकर दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से इसको निकाल देना है, ऊपर वाला पार्ट इसका। इसका हार्ड पार्ट होता है इसको निकाल देना है। इसके पत्ते भी, जो पीले पत्ते हो गए हैं उसको भी तोड़ देना है। तो देखिए इस तरीके से इसको कट कर लें। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग एक बार बनाकर जरूर देखें। तो देखिए इस तरीके से इसको काट लेना है, इस तरीके से इसके हरे पत्तों को भी काट लेना है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग इसे पराठे, पूरी, चावल की रोटी, बाजरे की रोटी किसी के साथ खाकर देखें। ये चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। सभी आलू को इस तरीके से काट कर तैयार करते हैं। आलू को भी हम कट कर लेंगे और लहसुन प्याज का पेस्ट भी बनाकर तैयार करेंगे, फिर हम सब्जी बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए आलू को हमने काट लिया है। तो देखिए प्याज की आलू को हमने इस तरीके से काट लिया है, आलू को भी हमने 2 पार्ट में काट लिया है, लहसुन प्याज का पेस्ट भी बनाकर हमने तैयार कर लिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। इसका फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल तो देखिए इसे 2 मिनट भून लिया है। चलिए हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। देखिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्च आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, यहाँ पर हम 1 चम्मच मिर्च डालेंगे। तो चलिए मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। तो चलिए मसाले में नमक को भी ऐड कर देते हैं। नमक भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें हम सब्जी को ऐड कर देंगे। आल डाल देते हैं। तो देखिए हमने सब्जी को मसाले में ऐड कर दिया है, नमक भी हमने ऐड कर दिया है। तो चलिए इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। हर 5 मिनट में इसको चेक करना है। हमने सब्जी में पानी बिल्कुल नहीं डाला है, इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। तो इसे 5 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं आल को बनते हुए, इसे चेक करके देखते हैं। चलिए आल को अच्छे से चला देते हैं। तो देखिए आल अभी हमारी अच्छे से बनी नहीं है, आलू भी अच्छे से नहीं पके हैं। तो चलिए 5 मिनट के लिए फिर से इसे ढक देते हैं। 5 मिनट बाद इसे फिर से चेक करेंगे। गैस का फ्लेम हमें सिम ही रखना है। तो चलिए 10 मिनट हो गए, फिर से आल को चेक करके देखते हैं। आल अच्छे से बन गई है, तो आल को फिर से चेक करके देखते हैं, आल अच्छे से बन गई है नहीं। तो देखिए आल का कलर चेंज हो गया है, आलू भी अच्छे से पक गए हैं, हमारी आल बनकर तैयार हो गई है। चलिए गैस का फ्लेम हम फुल कर देते हैं, 5 मिनट से अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमारी आल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों को हमारी आल की वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।